हे गाइस, ये है मेरा लद्दाख ट्रिप का day 4 और आज हम निकले हैं अलची डैम के लिए। अलची डैम जितने भी दुनिया में ऊंचाई पर स्थित डैम्स हैं उनमें से एक डैम है अलची डैम, क्योंकि लद्दाख ऑलरेडी बहुत ऊंचाई पर स्थित है। ये जो एरिया है जो आपके सामने, ये पेट्रोग्लिफ्स का एरिया, पेट्रोग्लिफ्स आज से 3000 से 1000 BC पूर्व में जो आदि मानव थे वो जो कुछ लिखते थे वो इन पत्थरों पर लिखते थे। ये है अलची डैम का पीछे का एरिया जहाँ पर इंडस जो रिवर है उसका पानी यहाँ ठहरता है और ये है अलची डैम। हमारी किस्मत आज अच्छी निकली कि हमें ये डैम चलती हुई सिचुएशन में मिला, चलती हुई अवस्था में मिला। पिछली बार जब मैं आई थी तो ये बंद था, आज ये अच्छा चल रहा था और इतनी सुंदर हरियाली और हरे हरे पेड़ों के बीच में आज ये चलता हुआ डैम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आज हमारी किस्मत दो बार अच्छी रही इनकी वजह से। ये है आईबैक्स, बहुत ही एंडेंजर स्पीसीज हैं, बहुत ही अलग स्पीसीज हैं, ये नॉर्मली किसी को नहीं दिखते हैं। ये अचानक हमें दिखे क्योंकि पानी पीने आए थे, तो जब ऊपर चढ़ने लगे इनका बहुत बड़ा झुंड था जिसमें से हमें ये कुछ आईबैक्स चलते हुए दिखाई दिए। मैंने इनकी वीडियो शूट करी, तो ये है आईबैक्स। इसके बारे में आप गूगल करके पढ़ सकते हो कि आईबैक्स होते क्या हैं। और इन आईबैक्सेस के साथ आज के लिए बाय।